दिल्ली विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र की राजधानी, कभी दीनदुखियों के नाम से जानने वाला यह शहर न जाने कितने बार आक्रमणकारियों का शिकार बना और विध्वंस हुआ। अगर कुछ नहीं बदला तो वो थी सिर्फ बावली, सिर्फ और सिर्फ बावली। मेरा नाम है विनय रावत, स्वागत है आप सभी का बावली स्टेप्स टू वाटर में। आज हम बात करेंगे बावली के बारे में। बावली उन सीढ़ीदार कुओं और तालाबों को कहते हैं जिनके जल तक बड़ी ही आसानी से सीढ़ियों के सहारे पहुंचा जा सकता है। भारत में बावली का निर्माण और उपयोग का लंबा इतिहास है। पूरे भारत में बावली को अलग अलग भाषाओं से जाना जाता है, जैसे कन्नड़ में बावली को कल्याणी या पुष्करणी, मराठी में बारव और गुजराती में इसे बाव के नाम से जाना जाता है। जल प्रबंधन यानी वाटर हार्वेस्टिंग, इसकी परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है। बावली भी जल प्रबंधन और जल संरक्षण प्रणाली का आधार है। बावली का निर्माण प्राचीन काल और मध्य काल में किया गया। दूर से देखने पर यह तलघर के रूप में बनी किसी बहुमंजिला हवेली या इमारत से कम नहीं लगती, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। लोग प्राचीन काल में अपना खाली वक्त अधिकतर बावलियों के आसपास बैठकर ही बिताया करते थे। हमारे देश में बावली की अलग पहचान है, इतिहास में इसका एक अलग नाम है। बावली भारतीय निर्माण शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब हम बावली के बारे में बात करते हैं तो हम इतिहास के उन पुराने पन्नों को खंगालते हैं और जानते हैं इस खूबसूरत संरचना के पीछे विज्ञान और इसकी विधि क्या है। पुराने जमाने में हमारे पूर्वज इस बावली निर्माण के लिए एक विशेष स्थान का चुनाव करते थे। इसके लिए खास जगह और खास पेड़ों की तलाश की जाती थी, जैसे किसी रेगिस्तान जगह में एक हरे भरे पेड़ का मिल जाना और ऐसी जगहों पर वह पेड़ किस प्रकार जीवित रहते थे और किस प्रकार भूमिगत जल से अपने आप को जीवित रखने में उपयोग मिला। उस स्थान पर तब तक खुदाई की जाती थी जब तक भूमिगत जल स्तर को ना पा लिया जाए, उसके बाद जल प्रभाव की दिशा को रोक दिया जाता था। इससे जल स्तर अपने आप ही ऊपर आ जाता था, फिर आसानी से लोग इसे अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाया करते थे। एक जमाने में दिल्ली में 100 से भी ज्यादा बावली हुआ करती थी, आज उनमें से कुछ ही बचे। उनमें से कुछ हैं राजाओं की बावली, गंडक की बावली, ताल की बावली, हजरत निजामुद्दीन की बावली, अग्रसेन की बावली, फिरोशा कोटला और लाल किले की बावली। गंडक की बावली महरौली पुरातत्व पार्क का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। गंडक की बावली महरौली में स्थित है, जो हमारी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासतों में से एक है। गंडक की बावली का निर्माण सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के राज में 1296 से लेकर 1316 के बीच में किया गया। इस दौरान सूफी संत हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार यहाँ आए और इस दौरान उन्होंने पानी की कमी को देखकर यहाँ बावली का निर्माण कराया। इसका नाम गंडक इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ के पानी में गंडक यानी सल्फर को भारी मात्रा में पाया गया, जिससे लोग अपने शरीर की त्वचा का इलाज भी इसी पानी से किया करते। कहा जाता है कि सल्फर त्वचा की किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए मददगार और कारगर साबित होता है, इसीलिए इस बावली का नाम गंडक की बावली रखा गया। आइए अब बात करते हैं राजाओं की बावली। आदम खान के मकबरे के पास स्थित राजाओं की बावली भी दिल्ली की प्रसिद्ध बावलियों में से एक है। कहा जाता है यह 3 मंजिला बावली दौलत खान द्वारा 1516 में सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाई गई थी। कुछ समय तक इस बावली का प्रयोग राजमिस्त्रियों द्वारा किया गया, जिस कारण इस बावली का नाम राजाओं की बावली पड़ा।
इस बावली की बनावट चौकोने आकार की है, जिसमें चार स्तर हैं और सबसे आखिरी स्तर पर गोलाई के आकार में पानी भरा हुआ है, जिसके अगल बगल दालान और बरामदे बने हुए हैं। सजावट के रूप में ऊपर की तरफ एक छज्जा है जो बेहतरीन तरीके से सजा हुआ है और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। इसी बावली में स्थित एक मस्जिद भी है जो 12 खंभों पर खड़ी हुई है और जिस पर चूने से सजावट की गई है। अग्रसेन की बावली भी दिल्ली के संरक्षित पुरातत्व स्थलों में से एक है जो नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित है। इस बावली में सीढ़ीनुमा कुएं में तकरीबन 105 सीढ़ियां हैं। 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन ने इस बावली को बनवाया। इस बावली का निर्माण लाल बलुए पत्थर से हुआ। अनगढ़ और गढ़े हुए पत्थर से निर्मित यह दिल्ली की बेहतरीन बावलियों में से एक है। करीब 60 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची इस बावली के बारे में माना जाता है कि महाभारत काल में इसका निर्माण कराया गया था। यह बावली बेहद सुंदर और आकर्षक है। तकरीबन 150 सीढ़ियों से उतरकर यहां स्थित जलाशय तक पहुंचा जा सकता है। इस बावली की छटा और सुंदरता देखते ही बनती है। हाल ही में आई आमिर खान की फिल्म पीके में भी इस सुंदर स्थान को दिखाया गया है। इस फिल्म में आने के बाद इसे देखने सैलानियों की तादाद और भी बढ़ गई है। अनंगताल की बावली दिल्ली की एक पुरानी बावलियों में से एक है। इसका निर्माण हिंदू राजपूत राजा अनंगपाल द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इस जगह को पहले योगिनीपुरा के नाम से जाना जाता था। इस 10वीं सदी की बावली रक्षण के अभाव से आज इतिहास के पन्नों में खोने लगी है। हजरत निजामुद्दीन की बावली। हजरत निजामुद्दीन की बावली एक ऐसी बावली है जिसके पीछे कई ऐतिहासिक और करिश्माई किस्से छुपे हुए हैं। ये बात तब की है जब जियासुद्दीन तुगलक अपना तुगलकाबाद महल बनवा रहे थे। उसी दौरान हजरत निजामुद्दीन दरगाह में बावली का निर्माण भी हो रहा था, जो उन्हीं मजदूरों द्वारा बनाई जा रही थी जो तुगलकाबाद महल में दिन में काम करते थे और रात के वक्त बावली का निर्माण किया करते थे। यह बात जियासुद्दीन तुगलक को बिल्कुल रास ना आई और तुगलक ने दंड के रूप में निजामुद्दीन दरगाह को तेल की आपूर्ति बंद कर दी, जिसके बाद निजामुद्दीन औलिया ने पानी से दीपक जलाकर इस बावली का निर्माण रात भर में करवाया। इसी वाकया के बाद चिराग दिल्ली का नाम पड़ा, जो आज पूरी दिल्ली में मशहूर है। तुगलक को औलिया साहब की यह गुस्ताखी बिल्कुल सही न गई और मोहम्मद बिन तुगलक ने यह तक कह दिया कि मैं तुम्हें आकर देख लूंगा, जिसके जवाब में औलिया साहब ने कह दिया कि जब आप आओगे तब देख लेना। इसी पर एक और कहावत बनी कि अभी दिल्ली दूर है। उसके बाद आज तक तुगलक दिल्ली वापस नहीं लौटा। कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाएं इस बावली से जुड़ी हुई हैं, जो इस बावली को दूसरी बावलियों से अलग करती है। यही खासियत है हजरत निजामुद्दीन दरगाह की बावली। I'm a beautiful baby.